साइबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगह प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला बोल दिया था, जो 4 दिनों तक चला। आपको बता दें कि मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठा था। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हमले में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 2008 को हुआ चरमपंथी हमला, एक ऐसी पहचान जिसे मुंबई कभी अपने नाम में भी शुमार नहीं करना चाहेगी। लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिनों तक चला। मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को अपना निशाना बनाया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताज महल होटल में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर दो दो गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे दो हमलावरों ने एकाएक अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच ये कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले भी वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकलते बने। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहां बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहां अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों की माने तो यहां हुई गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहां की गोलीबारी में भी सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए। आज इस बात को 14 साल हो गए हैं। आज के दिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दिन को याद कर इस हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सन्मान्य पुलिस आयुक्त आणि ज्यांनी आपल्या या संपूर्ण ऑपरेशन मध्ये वीरता दाखवली, ते जोधाजी, राहुल जी, सर्वच पोलीस बॉईज संघटनेचे पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी 26/11 हल्ल्यामध्ये या ठिकाणी शहीद झालेल्या आमच्या सर्व अधिकारी आणि जवानांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो। आपल्याला कल्पना आहे की हा हल्ला एखाद्या ताज हॉटेल किंवा ट्रायडंट हॉटेलवर नव्हता, तर हा भारताच्या सार्वभौमतेवर हल्ला होता। भारताची ती मानकं ज्याचा आपल्याला अभिमान आहे, अशा मानकांवर आणि तिथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नागरिकांवर हल्ला करून पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी भारताला कमजोर दाखवून जगामध्ये भारताची मान खाली घालण्याचा प्रयत्न करत होते, अशा वेळी आमच्या अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ केली आणि हा सगळा हल्ला त्या ठिकाणी हाणून पाडला। आणि त्याचवेळी आमचे अनेक लोक शहीद झाले। करकरे साहेबांसारखे वरिष्ठ अधिकारी असतील, कामटे साहेब असतील, त्या ठिकाणी तुकाराम मुंबळेंसारखे असतील की त्यांनी आपलं जीवन दिलं पण अडवण्याचं काम केलं, किंवा मेजर संदीप उन्नीकृष्णन असतील, असे अनेक लोक आहेत की ज्यांची नावं या ठिकाणी आपण कदाचित घेऊ शकणार नाही,
पण या सगळ्यांनी आपल्या जीवनाचं बलिदान केलं आणि त्यातनं हा हल्ला आपण परतवू शकलो आणि आज एकीकडे त्यांचं स्मरण आपण करतोय आणि दुसरीकडे त्यावेळी ज्यांनी हा मुकाबला करताना अंगावर गोळ्या खाल्ल्या पण जे मागे हटले नाहीत असे आमचे अधिकारी आणि जवान जे आहेत त्यांचाही आज या ठिकाणी आपण सन्मान करतो। ज्या समाजामध्ये वीरांचा सन्मान असतो हैवानियत ने खेली थी दहशत की चाली, मात उसे देने में हमने खोए वतन के रखवाले। भूला कैसे सकता है देश उस 26/11 की आतंकी सोच को, जब आयते पूछ पूछ कर मासूमों को गोली मारी गई थी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।